नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत देश की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत सरकार लागू करने जा रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले को भारत सरकार लागू करेगी, इसका नियम लागू होने से जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया हुआ है कि भारत देश में स्क्रैपिंग नीति लागू की जाए। अभी स्क्रैपिंग नीति क्या होती है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि स्क्रैपिंग नीति से फायदा क्या होने वाला है। साथियों, भारत देश में आपने देखा है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जो महानगर है, वहां से हम लोग व्हीकल्स लाते हैं कम दाम में ला करके हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में ला करके ग्रामीण क्षेत्र में चलाते हैं। 15 साल पुरानी गाड़ी को हम लेके जाएंगे और हम कम में ला करके उसको चलाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, जो हम 15 साल के 20 साल तक गाड़ी चलाते हैं पुरानी गाड़ियां, उससे बहुत सारा धुआं निकलता है और जो गाड़ी के धुआं निकलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, मानव शरीर में जाती है गैस और वो गैस के माध्यम से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो साथियों, जो पुरानी गाड़ियां है 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी, वो गाड़ी को ना चलाया जाए, इसी के ऊपर एक नीति आई हुई है भारत सरकार की, इसी नीति का नाम है स्क्रैपिंग नीति। साथियों, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो साथियों, देखना होगा यहाँ पर इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये है दिल्ली। साथियों, 2021 में भारत देश की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी स्थापना 1950 में की गई है 28 जनवरी को, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाया हुआ है। इस फैसले में सुनाया उसने कि स्क्रैपिंग नीति लागू की जाए। स्क्रैपिंग नीति क्या होती है, जो स्क्रैपिंग नीति है, स्क्रैपिंग नीति लागू हो जाने से फायदा ये हो जाएगा। देखिए आप, अभी क्या होता है, अभी हम 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को यूज करते हैं, इससे बहुत सारा धुआं निकलता है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव शरीर के लिए कैंसर उत्पन्न करने वाला गैस है, ये बहुत सारी समस्या उत्पन्न करने वाली गैस होती है। ये जो गैसेस को खत्म किया जाए, पर्यावरण सुरक्षित रहे, धुआं ना निकले, इसके लिए हमें पुरानी गाड़ी नहीं चलाना होगा। अब पुरानी गाड़ी चलाएंगे दिक्कत तो होगी। अब क्या होता है, अभी एक और बात ये समझने वाली बात है कि 15 साल पुरानी गाड़ी हम लोग के पास में है और हम उसको चला भी रहे हैं, उसको बेच भी नहीं रहे हैं, उसको कबाड़ में फेंक भी नहीं रहे हैं और दूसरी गाड़ी ले भी नहीं पा रहे हैं, हम उसी को चला रहे हैं, इवन उसको नहीं भी ले पा रहे हैं गाड़ी, या फिर हम लोगों ने क्या किया है कि वो जो पुरानी गाड़ी रखे हुए है उसी को चला रहे हैं और कहीं पे भी हमको उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, ऐसे लोकल में, लेकिन लंबे टूर में जाना है उसके लिए हमने नया गाड़ी ले लिया है, पुरानी गाड़ी रखी हुई है खराब वाली जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे रही है और साथ में नए गाड़ी ले लिया, डबल डबल गाड़ी पड़ी हुई है। तो क्या हुआ है, भारत सरकार ने एक फैसला सुनाया हुआ है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो पुरानी गाड़ियों को बेचा जाए। यदि आप पुरानी गाड़ी को बेचते हैं तो इससे फायदा गाड़ी जो वाहन चालक है, मालिक को क्या फायदा होने वाला है, बस इसी के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है जो कि 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने जा रही है। अब देखिए यहां पर, आप अभी क्या होता है, आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, अब 15 साल पुरानी गाड़ी को आप लिया करके बेचेंगे कहां पर, तो लिया के दे दियो आपने वापस शोरूम में, लिया के वापस कर दिया या कवाड़ में लिया के बेच दिया, तो कवाड़ वाला क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जब नए गाड़ी लेने जाएंगे ना, तो नए गाड़ी लेने जब जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। कौन सा फायदा मिलेगा, जैसे देखिए, सबसे पहले दो प्रकार की नीतियां समझा दूं मैं, जो व्हीकल्स है यहां पर अभी कितने साल आप चला सकते हैं, तो निजी वाहन यदि आपका है, निजी वाहन को आप 20 साल चला सकते हैं रोड के ऊपर, और यदि कॉमर्शियल वाहन है तो आप उसको 15 साल तक चला सकेंगे, ये रूल्स है। लेकिन 15 साल के बाद और 20 साल के बाद इसको आपको रोड के ऊपर नहीं चलाना होगा, जैसे ये ड्यूरेशन पूरा होता है तो आपको कबाड़ में जाकर गाड़ी बेच देना है, और कबाड़ में बेचने के बाद में आपको कबाड़ वाला जो है आपको एक सर्टिफिकेट देगा, प्रमाण पत्र देगा, वहां प्रमाण पत्र को लेकर के आप कहां जाएंगे, शोरूम में चले जाइए। अब शोरूम लग जाएंगे तो पता है, जब आपने कबाड़ में गाड़ी को बेच दिया है तो कबाड़ में बेचने समय आपको किस किस रेट पे गाड़ी बिकेगी, जिस कंपनी की गाड़ी है, जैसे मान लो कि आपकी कोई भी एक गाड़ी है, मारुति सुजुकी गाड़ी है, कौन सी कोई भी एक गाड़ी मान लेते हैं जो जिसका रेट 8 लाख रुपए का है, तो 8 लाख रुपए की गाड़ी को जब आप बेचेंगे, आपका नई गाड़ी का रेट 8 लाख रुपए है, तो आपको कवाड़ का जो रेट मिलेगा ये इसी के आधार पर मिलेगा, यानी 4 से 6% रेट पर वो गाड़ी कटने वाली है।
इतने में कट गई। कटने के बाद वो कवाड़ वाला आपको पैसा देगा, जो है वो देगा आपको पैसा भी देगा और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपकी गाड़ी थी ये रेट की गाड़ी थी, ये गाड़ी नाम ये था और आपकी इस रेट पे गाड़ी कटी हुई है, आपको सर्टिफिकेट दे देगा। वहां सर्टिफिकेट लेके चल जाओगे आप शोरूम में, तो शोरूम में क्या होगा पता है, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। कैसा फायदा मिलेगा आप देखते आइए, पूरा देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो, भारत देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया है कि कबाड़ वाला जो है वो एक सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट लिया करके आप शोरूम में जाओगे, शोरूम में आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले। देखो क्या क्या फायदा मिलने वाले। सबसे पहला फायदा साथी आपको मिलेगा, जो 15 साल पुरानी गाड़ियां है, कौन सी वाली, कॉमर्शियल, 20 साल पुरानी निजी, इसको आपने लिया कबाड़ में बेच दिया, कबाड़ में बेचने के बाद में आप गए नए गाड़ी के पास, नए गाड़ी आपने लिया हुआ है, तो आपको पहला फायदा इससे मिलने वाला है, जो रेट गाड़ी का होगा, यहाँ देखेंगे जो गाड़ी का रेट है उस रेट से क्या फायदा मिलेगा आपको, 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा नए गाड़ी पर उस सर्टिफिकेट से। अब जब 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, पहला। दूसरा, रजिस्ट्रेशन जो फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगने वाली है, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये होने वाला है, जो रोड टैक्स लगता है, रोड टैक्स में भी बहुत फायदा होने वाला है, जो कॉमर्शियल गाड़ी है 15 साल जिसकी चल रही है, उसको मैंने कबाड़ में बेच दिया है, उसके ऊपर जो गाड़ी हम लेने वाले हैं इस पे आपको रोड टैक्स का 15% की छूट रहेगी और निजी वाहन के ऊपर 20% की छूट रहेगी। इतनी सारी छूट आपको मिलने वाली है। यदि आपने पुरानी गाड़ी को बेचे हैं, पुरानी गाड़ी को बेच करके आपके पास सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट आपने लिया करके उस सर्टिफिकेट आधार पर नया गाड़ी लिए हुए हैं, उस गाड़ी पे आपको इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। पहले तो 5% डिस्काउंट मिलेगा आपको, दूसरा रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगने वाली है और रोड टैक्स में भी आपको 15% कॉमर्शियल पर और 20% जो है वो आपको निजी वाहनों पर मिलने वाला है। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको फायदा मिलने वाला है। साथ ही भारत देश के रोड परिवहन मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि भारत देश में 15 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल सेक्टर है। 15 लाख करोड़ रुपए का जब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग और तेजी से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि भारत देश में 2030 तक, पूरी भारत देश की सरकार ने स्पष्ट बना लिया है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत देश में चला लेंगे। हर जगह जगह पर हम लोग उनके चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेंगे और गाड़ियों को हम कम रेट पर चार्ज करेंगे। इस प्रकार से भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए व्यवस्था बना लिया है, इसीलिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो गाड़ी आप बेच रहे हैं, मान लो पुरानी भी आप गाड़ी हो गई, अब आप बोलेंगे कि क्या ठीक है सर, मान लिया कि आपकी गाड़ी हमने जो गाड़ी है वो हमने 20 साल 15 में बेच दिया, लेकिन क्या मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी 10 साल की है और मैं नया गाड़ी लेना चाहता हूं, मुझे ये वाला फायदा मिलना चाहिए, तो मैं क्या नए गाड़ी बेच सकता हूं, ये 10 साल में चलाया वो गाड़ी बेच सकता हूं? तो मैं बोलूंगा हाँ, यदि आपकी 9 साल की गाड़ी है और 9 साल की गाड़ी को यदि आप बेचने जाते हैं इसमें लिया करके, तो आपका इस रेट पर वो गाड़ी कटेगी और आपको वापस फिर से ये वाला फायदा उसमें मिल जाएगा, यदि आपको सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर लिया है। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है और इसमें नियम कानून लागू करने के लिए एक तो बात ये हो गई कि 1 अक्टूबर 2023 से ये नियम लागू होने वाला है, लेकिन साथियों कुछ बात और भी है, जैसे निजी वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1 जून 2024 से ये नियम लागू होने वाला है। उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।